आखिर कानून को कितना कठोर किया जाना चाहिए कि गुनहगारों के मन में डर पैदा हो जाए, क्योंकि हालात अभी भी वही है जो निर्भया से पहले थे और निर्भया के बाद। अगर तस्वीरें अभी भी नहीं बदलती है तो हम सभी को शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले ने रूह को सन्न कर दिया है। इसकी वीडियो ऐसी है कि उसे देखकर आपको खुद से भी घिन आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। एक मासूम बच्ची जिसका पहले रेप होता है, फिर दरिंदे उसे बीच राह चौराहे पर छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके बाद किसी तरह वो मासूम लहू लुहान हालात में लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन लोग एक पुतले की तरह उसे देखते रहते हैं, उसकी मदद करने कोई नहीं आता, यानी कि लोग तमाशबीन रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि समाज की ये बेरुखी एक दिन इंसानियत को शर्मसार कर देगी। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफर किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में आरोपी घायल अवस्था में नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण वो खून से लथपथ है। घटना के दिन आरोपी बच्ची को एक ऑटो में बैठा कर जीवनखेड़ी गांव के पास ले गया, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले पर अपराधियों को लेकर मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, जरा सुनिए। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। तो सुना आप सभी ने इन्होंने क्या कुछ कहा। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बना हुआ है। सभी लोग ट्वीट कर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिनमें से एक सनीपाल नाम की यूजर ने ट्वीट कर कहा है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें दया नहीं आई। जब नगन अवस्था में खून से लथपथ हालात में 12 साल की छोटी बच्ची घर घर जाकर मदद की गुहार लगा रही थी, क्या ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? हम किस तरीके का देश बना रहे हैं? ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला फास्ट कोर्ट में जाना चाहिए और रैपिस्ट को फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं हर दूसरे दिन होती रहेंगी तो हमारी बेटियां कैसे बचेंगी और कैसे पढ़ेंगी? फिलहाल पीड़िता की हालात स्थिर और गंभीर है। ये कोई पहली घटना नहीं है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया है। इस तरह की ढेरों घटनाएं आए दिन होती रहती है। ये कैसे रुके, इस मुद्दे को लेकर सरकार और समाज दोनों को सोचना होगा। कानून सिर्फ कठोर कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता, इस पर अच्छे से सोच विचार करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हर एक खबर से रूबरू होने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम्स।